नमस्कार, मैं पायल धामी और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया का बॉलीवुड स्पेशल। आपको बता दें कि राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी रैकेट के बाद से राज के साथ साथ उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और लोग उन्हें भी ट्रोल कर रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि राज कुंद्रा के इस केस के बाद बॉलीवुड जगत से जुड़े लोगों ने शिल्पा से दूरी बना ली है। साथ ही इस केस के बाद से शिल्पा से कई सारे प्रोजेक्ट्स भी वापस ले लिए गए हैं। राज कुंद्रा पॉर्न रैकेट के बाद से लगातार लोग राज के साथ साथ शिल्पा को भी इस पूरे केस के लिए जिम्मेदार समझ रहे हैं। जब से राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, लोगों के दिमाग में पूरे परिवार को लेकर गलत विचार हैं। इस समय राज कुंद्रा पुलिस की हिरासत में है और साथ ही आए दिन केस से रिलेटेड अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। बता दें कि शिल्पा शेट्टी पिछले 30 सालों से बॉलीवुड का हिस्सा है, लेकिन इस मुश्किल के समय रेपुटेशन बचाने के लिए सबने उनसे मुंह फेर लिया है। शिल्पा आए दिन बॉलीवुड सितारों के साथ पार्टी करती नजर आती थी, लेकिन जब से यह केस सामने आया है हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं। इस सबके चलते एक एक्टर ने मामले को लेकर खुलकर बात की है। उनका कहना है कि पोर्नोग्राफी से नाम जुड़ना कोई छोटी बात नहीं है, एडल्ट फिल्म में नाम आना कोई छोटी बात नहीं है। लोग पोर्नोग्राफी के नाम सुनते ही डरते हैं और यहाँ पोर्नोग्राफी के आरोप में किसी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वह ये भी कहते हैं कि ऐसे में शिल्पा शेट्टी की क्या गलती है, हो सकता है कि इस केस से शिल्पा का कोई लेना देना ना हो, लेकिन राज कुंद्रा को जहन में रखकर लोग शिल्पा से भी किनारा ले रहे हैं। आगे इस एक्टर ने बताया कि शिल्पा ने खुद एक बार ये बात सामने रखी थी कि फिल्म इंडस्ट्री में हम किसी से भी दोस्ती की उम्मीद नहीं रख सकते, और शिल्पा का यह भी कहना है कि काम खत्म होते ही दोस्ती भी खत्म हो जाती है।